वहीं विधानसभा सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने ऊना के हरोली का मामला उठाया, जहां पर एक स्कूल में करीब 13 छात्राओं ने एक ही अध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। जरा सुनिए नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कहा। ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के एक स्कूल में एक शास्त्रीय शिक्षक के खिलाफ जो है 13 बच्चियों ने आरोप लगाया है अभद्रता का। तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो जो है 311 के तहत जो है डिसमिसल का जो है अब आगे को कदम उठाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो समझ आता है कि सरकार संवेदनशील है, नहीं तो इस समय तक तो हद दर्जे की संवेदनहीनता चल रही। स्कूलों में इस प्रकार की घटनाओं के लिए एक कमेटी भी बनी होती है, वो भी इसमें जो है अपने अनुशंसा करते हैं। तो जहां FIR दर्ज हो जाती है और इस प्रकार की कमेटी द्वारा रिकमेंड होती है, हम तुरंत कार्रवाई करते हुए अध्यापक को सस्पेंड कर देते हैं, उनके खिलाफ जो है वो रूल्स के मुताबिक इंक्वायरी करते हैं और पुलिस अपना काम जो है अलग से करती रहती है। लेकिन केवल मात्र जो है वो सस्पेंशन और इससे काम नहीं चलेगा, ऐसा घटनाओं को देख की संख्या को देखते हुए लगता है कि हमको कड़ी कार्रवाई और करनी पड़ेगी। इसलिए संविधान के आर्टिकल 311 का उपयोग भी हम इस मामले में कर सकते हैं, जिसका लीगली एग्जामिन कर रहे हैं हम।